अभी हम जब ड्राइंग बनाते हैं ना, तो बहुत काम की चीज़ है। मोस्टली लोगों को ये आती भी नहीं है। हमने क्या किया, एक सर्कल इधर मारा, एक सर्कल इधर मारा, एक लाइन लगाई, इसके टेंजेंट और इसके टेंजेंट दोनों को टेंजेंट कर दिया, ठीक है, और एक लाइन हमने लगा दी। फालतू का ट्रिम कर देते हैं ताकि बात समझ में आ जाए, है? ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके इसको फुली डिफाइन कर देते हैं ताकि डायमेंशन आ जाए। ब्लैक हो गया ना। तो अभी हमारी ज़रूरत क्या है, एक मैंने ना सर्कल मारा, अब ध्यान से देखना। अब मैं जब इसके सेंटर को इस लाइन के साथ कोइंसिडेंट कर देता हूँ, कोइंसिडेंट का मतलब होता है उसके ऊपर, रेलगाड़ी जो होती है ना वो पटरी के ऊपर कोइंसिडेंट होती है। अभी पंगा क्या है, ये जो लाइन है, ये जो सर्कल है, इस लाइन के ऊपर ही कोइंसिडेंट है। हमारे को चाहिए इसके चारों तरफ, तो ये प्रॉब्लम थी हमारे पास, ठीक है। तो इसका हल क्या है, मेक पाथ, मेक पाथ को मार लेंगे, इस सारे को सेलेक्ट करेंगे, ओके। अब ये सिंगल एंटिटी बन गया। अब जब मैं इसको और इसको कोइंसिडेंट करूंगा, ओके, अब देखो, अब ये इसके ऊपर मूव कर सकते, मेक पाथ। बहुत सारे दुनिया को ये आती नहीं है कमांड, यहाँ पे होती है देखो एक्चुअल में, ये कमांड ना स्केच टूल में मेक पाथ, ठीक है। सर शुरू से